चीटिंग तो इसने की है पर बुद्धि का प्रदर्शन किया है। तो ये देखो गाइस, ये लड़का है सिर्फ जिम्मेदार वोटर, मैं हूँ जिम्मेदार। ढाई की है भाई, बच्चे हमारे एक्सपर्ट है। ये और भी अच्छा बना है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो गाइज, आज हम वहाँ जा रहे हैं जिसके लिए हमने इतनी रैली की थी और इतना हम घूमे थे और हमने प्रचार किया। पहले वोट डाल के आते हैं। मैं बॉडी बनाता हूँ। चलो ठीक है, तुम में से मुझे बना के दिखाना। गाइज ये देखो, अभी तक इनसे बना नहीं, सब चलेगा। देखो सब चलेगा, ठीक है ना? अभी करके दे रहा हूं। अभी तक इनसे हुआ ही नहीं है। देखो अभी तक क्या राल भी है। तुम ये मैं करूंगा राल, भी तुमसे नहीं होगा, ये मैं करूंगा। तुम खाना खाओ, देखो रोटी ठंडी हो गई। नहीं हुआ भाई, भैया से गाइस नहीं हुआ तो मेरी टर्न आ गई। चलो सब चले गए, सब चले गए। देखो एक घंटा लगा दिया राहुल ने। पर हाँ देख तो ले इसकी चीटिंग। इसका मतलब इसको भी नहीं आता। देख तो ले दिमाग कितना लगाया इस लड़के ने। ये कहाँ से दिमाग लगाता है कि तू इतना गाइस मेरे में है दिमाग क्या? चीटिंग के अंदर, चीटिंग तो इसने की है पर बुद्धि का प्रदर्शन किया है। ना राहुल जीता, ना अक्की खाली नहीं जीता भाई, जीत गया नहीं जीता। तो गाइस जल्दी चल रहे हैं वोट देने के लिए और ये वोट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं तो कहती हूँ सबको डालना चाहिए। तो गाइस ये मेरा जो ब्लॉग है ये थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि मैं शादी में थी ना, तो मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई। तो गाइस ये थोड़े लेट पहुँचेंगे आपके पास मेरे सारे ब्लॉग। और ये गेट नहीं खुल रहा है, खुल गया सो। और अम्मा जी भी गई वोट देने, बाबा भी, और अब मैं जा रहे, मैं और राहुल और रीना हम जा रहे हैं। और लोकेश भाई साहब वो माँ बेटे पहले चले गए, तो चलो चलो जल्दी चलते हैं फटाफट से। तो खड़ी क्यों चल रहे ना यार, इसका भी ना कुछ नहीं हो सकता। चल बैठ जल्दी, बैठ जाएगा। राहुल कहाँ रह गया? तो गाइस हम वोट डालने जा रहे हैं और इसके पापा की वोट कट गई है और रीना की वोट कट गई है और हमारी और राहुल की है और भाई साहब और सब की है, बस उन दोनों की नहीं है। वो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं है, तो की है ना। देखना वोट कितनी लंबी लाइन। ये देखो गाइस, ये लड़का है सिर्फ जिम्मेदार वोटर। तो गाइस हमने वोट डाल दी है और चाची से भी मिल ली है और रात हो गई है। देखो कितनी, क्योंकि हम लेट निकले थे। कितने बजे निकले थे? तीन बजे कुछ निकले थे। तो यहाँ बातचीत करने में हमारा टाइम हो गया। अब हम घर जा रहे हैं और बज गए हैं 7, अब घर चल रहे हैं। और ये देखो हमने इतनी सारी सब्जियाँ भी ले ली है घर की। तो गाइस हम वोट डाल कर आ गए हैं और मुझे आते ही एक काम मिला है। कृष्णा का प्रैक्टिकल है कॉलेज में, तो उसमें डाई करनी है, रुमाल पे लगे हुए हैं डाई करने के लिए। और मैंने सिर्फ उनको बता दिया कि आइडिया दिया मैंने ऐसे ऐसे कर लो और बाकी वही करेंगी सब। और देखो सारा सामान इकट्ठा करके तैयार करके बैठे हैं। मैं भी दिखाती हूँ आपको, जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुराने कपड़े पड़े हुए थे उनको रुमाल बना के तैयार कर रही है कृष्णा। आ रही है डिज़ाइन की तैयारी कर रही है। और कृष्णा वो नेहा लेने गई है क्या, वो सोडा और नमक का शायद कुछ था। हाँ पानी वगैरह। तो ये अब डाई की तैयारी कर रही है। गाइस देख सकते हो हमारे कपड़े कितने हो चुके थे, फट रहे हैं। नो सीज़न। दिमाग लगाया इसने, कह रही नए रुमाल क्या खराब करने, ये पुराने हैं और इनको हम रुमाल बनाते हैं। ये अपने पापा के बलियान में से जो इन्होंने फाड़ के रुमाल किए। बताओ यहाँ पे ये पानी लेके आई है, ये इसमें सोडा और नमक मिलाया है। लड़ाई नहीं करनी, फटाफट से करो। करेगी सारे काम। देखो ईशी बिल्कुल शिद्दत से लगी हुई है, ईशी ने डिजाइन बनाए ये सारे। यार इतने बहुत है ना यार। इसके नीचे प्लेट लगाना नेहा, तेरे में अकल है नहीं है। अकल है ये भूसा। ये नेहा तूने पहले तो मेज खराब कर दिया, अभी फिर से तू लगी है। इसके नीचे प्लेट लगा लेना। डाई एंड डाई चल रहा, शांति रखो। ये कैसे मोटी बुद्धि है क्या तू? अरे ना होगी कभी नहीं। सारे कपड़े धो देगी, सारे कलर एक ही कपड़ों में दिखा दोगे, बाकी में क्या दिखाएंगे? ओ दीदी थोड़ा सा दिमाग की कमी थी। तो गाइज ये देखो, एक तो तैयार भी हो गया, कितनी फिनिशिंग दी है। यहाँ कृष्णा पढ़ रही है
और ईशी इसमें कलर कर रही है और नेहा ने इसको सुखा दिया। बिल्कुल दिल से लगी हुई है ईशी नेहा। ये एक दो इसमें रखी है, एक इसमें रखा है, वो सूख रहा। वेरी नाइस। और हम क्या पॉलिथीन लगाना है बता देना ना, स्कूल वालों बच्चों को भी पता चल जाएगा ब्लॉग देखकर कि तुमने क्या किया है। नो जल्दी करवा फटाफट, दांत मत दिखा, फटाफट कर दीदी। मैं क्या करूं, देखो एक हो गया, दूसरा हो रहा, तीसरा हो रहा, चौथा। कल मेरा पेपर है, मैं ऐसे जाऊंगी कल पेपर। अब ये नेहा ने जो इसमें कर्म किए थे वो पता चलेगी। ये नेहा ने बनाया है, जैसे कि आप देखोगे ये नेहा ने बनाया है। वाह यार, डाई की है भाई, बच्चे हमारे एक्सपर्ट है सारे। मुझे उम्मीद नहीं थी नेहा तुझसे इतनी। ये इसकी इसकी तो तेरी टी शर्ट बन जाएगी। तो मैं अपनी प्लेन साड़ियां लाई करूंगी और नेहा से डाई कराई करूंगी और ऋषि से। ओ वाह यार, ये कहाँ से लेकर आ रही हो तेरी कलाकारी तुम। नेहा देख, वंशु वंशु देख यार, वाह। हम तो बेकार बाहर जा रहे थे, हम तो घर में ही अब डाई कराई करेंगे। आपके पास चींटी भी लेट है यार, मुझे ये बात मुझे आज ही पता चला। नहीं कल हमारा पेपर, हम ऐसे करके जाने वाले हैं दीदी। बच्चे हमारे ब्रिलियंट थे, हमें पता ही नहीं चली, आज ही पता चली ये बात। और इशी ने सारे कलर खत्म कर दिए इसी के अंदर ही। है, मैं अलग अलग कलर बनाना चाह रही हूँ ना। इशी ने हाथ पैर मुंह सब कर लिए। गाइज ये इन्होंने पहली बार डाई किया है, उस हिसाब से तो इन्होंने बहुत बेस्ट रिजल्ट दिया। दोनों लगी हुई है कि कुछ नया ट्राई करते हैं इस पे। ऐसा नहीं है। इनका इनको देख के थोड़ा मनोबल है ना वो बढ़ गया है। अब ये थोड़ा और कोशिश कर रही है अच्छे से अच्छा देने का अपना। ब्लू को रोको, ब्लू रोको, ये जो होता है ना तो बैठे बैठे जीप चलती है। थोड़ा सा भी उठाओ। बैठे बैठे ये एडवाइस अच्छी देती है। हाँ। काम करने में नहीं आ पाती आगे ये गाइस। एक किताबों पे ये कट कर देना, एक किताबी कीड़ा है। तो नेहा अपना पूरा टैलेंट इसके ऊपर लगा दी हुई। ये नेहा, नेहा को शर्म आ रही है। ठीक है मत चल, दूसरे डिजाइन की तैयारी कर रही है नेहा। वो नेहा और ईशी इन्हीं में कंपटीशन चल रहा है कि मैं ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाऊं कि तू ज्यादा अच्छा डिजाइन बनाए। हाँ ये लास्ट है, इसमें अपना अपना टैलेंट लगा दो। और ब्लू कलर को रोक दो, और ब्लू कलर मत डालना। ये जो इन्होंने पूरी मेज की जो ऐसी तैसी की है। Your word is so nice, huh? हाँ. Your word is so nice, और ये ना पूरी मेज को साफ करके क्लीन करके जाना है यहाँ से। या बेबी, ऐसे इसी मेरी चुन्नी पे इसी को लगाई गई। लड़की देखो कितनी अच्छी अच्छी डाई बना कर रही है, और इसको मैं अपना सूट दूंगी और एक चुन्नी दूंगी बनाने का। तो चली गई इनको, नहीं ये भी अच्छी है डाई, तो गाइस सारी अच्छी कर रही है। ये देखो अब फिनिशिंग का नंबर है, और देखो फिनिशिंग भी कर रही है दोनों लड़कियां होनहार है। दोनों मतलब नेहा, नेहा अब इसकी फिनिशिंग कर रही है, और ईशी अभी कलरिंग पे लगी हुई है। जल्दी जल्दी साफ कर दे एकदम प्लेन क्लीन। ये देखो साफ हो गए। तो नेहा पढ़ने चली गई है और ईशी भी लगी हुई है। तो गाइस ये लास्ट है, और ये देखो ये और भी अच्छा बना है। दिखी कौन, दिखी पास से दिखा, पास से। ओ वाओ, तो गाइस लड़कियों ने इतनी अच्छी अच्छी डाई की है कि मेरे को तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि ये लड़कियों ने पहली बार की है। तो गाइस इनको आप बताना कि ये कैसे बनाए इन्होंने, और डिजाइन आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट्स में लिखना है। सारे दिखा दो कैसे, और इनकी हाँ, रेटिंग देना। हाँ रेटिंग देना, और इन्होंने बहुत मेहनत की है और पहली बार की है, उस हिसाब से प्लीज कमेंट में बता देना। चाहे आप लाइक मत करना, पर कमेंट्स में बता जरूर देना कि इन्होंने सारे कैसे बनाए। ये है, वो मैं ऐसे दिखा दूंगी। वाओ, दो या देख देख गिर गया वो। नीचे फैब्रिक शीट फोर्स चार पांच छः सात आठ नौ, बस आठ ही है। तो ये आठ है गाइस। ये नौ है।
ये 9 है। तो गाइज ये 9 है, आप नंबर से बता देना कौन सा नंबर ज्यादा मतलब अच्छा था, ठीक है? हाँ, उसमें प्लीज इनको नंबर जरूर देना। और तो दोनों ने अच्छी की है, लेकिन कौन सा ज्यादा अच्छा लगा नंबर मैंने आपको भी बोले, उसी नंबर में से बता देना, ठीक है? तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ करें। गुड नाइट।